हेलो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में दिखाया था कि इतना से हम जैसे पेज को लोड करते हैं, देन दिखाया था कि इतना से हम डेटा भेजते हैं और डेटा के हिसाब से क्वेरी चलती है और उस बेस पे जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा लोड होता है। हम इस वीडियो में देखेंगे, ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। इसको हम देखेंगे, पेज का नाम है RJX3। RJX3.php, ठीक। सिस्टम बहुत स्लो हैंग कर रहा है, वेट। हाँ, ये भी लोड हो गया। मैं यहाँ इमेल टाइप करता हूँ। देखो, जैसे मैंने टाइप किया तो ए नाम से स्टार्ट, जितने भी ईमेल आईडी के ए नाम से स्टार्ट है वो हमारा दिखा दिया। अगर के टाइप है तो ए के नाम से जो स्टार्ट है वो दिखा दिया। आसान इस तरह दिखा। जैसे मैं आर्क में टाइप करता हूँ तो रवि नाम से, तो आर ए जो दिखा रहा है, ठीक है। RAVI रवि, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आपके रिजल्ट यहाँ पर ये दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बी टाइप किया तो बी नाम से जितने होंगे के वैसे, ठीक है, ये दिखा देगा। तो इस तरह से हमारा जो है कोई भी रिजल्ट अगर हमको दिखाना होगा, ठीक है। ये आपने में भी बहुत से प्रोग्राम आपने देखा होगा कि जो भी हम ऊपर टाइप करते हैं उससे रिलेटेड जो भी उससे स्टार्ट होता है वो सारा इसका रिजल्ट वो नीचे दिखाता रहता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमको कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अजेक्स में सिंपल सा मैंने बटन लास्ट में बटन दिया था, मैं इसमें बटन भी हटा दिया हूँ। सिंपल सा मैंने एक इनपुट टाइप इनपुट लिया है, ठीक है, इनपुट फील्ड लिया है। इसकी आईडी मैंने ईमेल दे दिया है, एक डिप टैग दिया है, मैंने सेंटर में दे दिया कि देखने का सही लगे। फिर यहाँ पर जो मैं यहाँ यूज किया हूँ की अप या की प्रेस बटन को आप इवेंट यूज कर सकते हो। की अप मतलब की हम जो रिलीज करते हैं तब का है, की अप की प्रेस मतलब हम की को प्रेस करते हैं तब का है, ठीक है। तो जब मेरा जब हमारा इनपुट बटन पे जब की अप हो की को रिलीज किया जाए तो एक फंक्शन कॉल हो। फंक्शन क्या कॉल हो कि पहले जो उसमें वैल्यू है, जो इवेंट में जो सारी इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है उस वैल्यू को निकाल करके ई में डाल दो, ई में डाल दो। और फिर साथ ही साथ ये सर्च अजेक्स टू PHP नाम का पेज है, इस पेज को कॉल करो और ये डेटा को सेंड कर दो। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ डेटा सेंड करना, ठीक है, डेटा को सेंड कर दो। इसमें बहुत ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं की गई है, बस यहाँ मैं यूज किया हूँ कि अप का। वहां मैं अन क्लिक बटन पर यूज कर रहा था लेकिन यहाँ की अप का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं की गई है। यहाँ पर जो भी पहले का प्रोग्राम था सेम टू सेम प्रोग्राम है, वही उस तरह से मैंने जो है सब कुछ इंक्लूड किया है। यहाँ पर चेक किया है मेल सेट है कि नहीं है, बस यहाँ पर सिंपल सा क्वेरी में क्या चेंज है, सेलेक्ट नेम ईमेल कॉन्टेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल लाइक में मैंने क्या किया, ईमेल दिया, साथ ही साथ परसेंटेज दिया है। अगर आपने लाइक ऑपरेटर को आपको ध्यान होगा तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, ये वाइल्ड कार्ड करेक्टर के साथ काम करता है। दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर होते हैं, एक परसेंटेज होता है, एक अंडरस्कोर होता है। परसेंटेज क्या करता है, जीरो और मोर करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है ईमेल में मान लो ए आया तो ए से स्टार्ट हुए सारे के सारे को दिखा दे। अगर आपको लाइक में कुछ भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप नेट पे सर्च कर लेना लाइक को, आपको मालूम चले। ऑलरेडी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। फिर जब ये जो भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट आके यहाँ पर जो इसका एग्जीक्यूट करा के और सारे जो भी रिकॉर्ड आते हैं उसको डिस्प्ले कर देते हैं। इतना तो आपको मालूम होगा कि तरह से डिस्प्ले करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को भी इसमें भी कंफ्यूजन है कि इतना डेटा डिस्प्ले निकाल कर डिस्प्ले करना है तो प्लीज शो डेटा वाला और सर्च डेटा वाला जो है आप दो प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने आपको सेंड किया था,
उस दोनों को आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहे हैं मैं लाइक के थ्रू जो है वो वहां पर निकाल के और साथ साथ डिस्प्ले कराता हूँ। तो जब भी एक बटन पे, तो ये जब भी बटन को रिलीज करेंगे, कोई बटन प्रेस करके रिलीज करेंगे, तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये डेटा सेंड करेगा, सेंड करके जो है वहां से जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके वो डिप में तुरंत दिखा देगा। तो ये बार बार हर बटन प्रेस पे या बटन प्रेस करते हैं तो बार बार ये फंक्शन कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप यही सिंपल सा, अगर आपकी प्रेस को आप सिंपल, अगर आप मान लो बार बार लोड करते रीलोड करते तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका हर की प्रेस पे अगर बार बार पे रीलोड होता तो बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर आपका बार बार पे रीलोड नहीं हो रहा है, डेटा को सेंड किया जा रहा है सर्च अजेस्ट टू डॉट पीएचपी पेज पे, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको लोड करके यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है, हमारा करंट पेज कुछ भी रिलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल था, जैसे मैं यहाँ ए टाइप किया तो यहाँ पर जो मैं कोई पेज रिलोड नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिक वो हमारा इस तरह से डेटा आ जाएगा। ठीक है, होती है, इसको सब लोग ट्राई करो, अगर चाहो तो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से वैलिडेशन करेंगे यूजिंग अजेक्स। ओके।